वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सारी संगत का गुरबाणी व्याकरण के डे 16 के लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आज का लेक्चर बहुत ही जो है ज्ञान से भरा हुआ है, नॉलेज से भरा हुआ है। आपको आज ऐसी वजह पता चलेगी जो गुरबाणी व्याकरण की जो आपने आज तक सुनी नहीं होगी, ना तो किसी के बारे में, किसी से भी इस वजह के बारे में सुना होगा, इस रीजन के बारे में सुना होगा। और इस रीजन का, इस वजह का शुद्ध उच्चारण के साथ बहुत ही ज्यादा मेल है। जब तक हमें ये वजह नहीं पता होती, तब तक हम शुद्ध उच्चारण प्रॉपर नहीं कर पाते। और हमें नहीं पता होता कि किस जगह पर क्यों मुहारनी कैसे लगी हुई है और कौन सी मुहारनी उच्चारण करनी है। तो आज से हमारा जो है शुद्ध उच्चारण का डे शुरू होगा। मीन्स के शुद्ध उच्चारण के लेक्चर, शुद्ध उच्चारण की व्याख्या शुरू होगी, जिसमें मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन में शुद्ध उच्चारण हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध उच्चारण के बहुत से सेदम सीखेंगे और उम्मीद है शुद्ध उच्चारण सीखने के बाद हमारी जब भी हम वाणी पढ़ते हैं उसमें काफी क्लैरिफिकेशन हो जाए। शुरू करते हैं। आज पढ़ा जाएगा, काव तोल पूरा करन लई लगा दी वर्तों। लगा कहा जाता है मुहारनियों को या मात्राओं को। ठीक है, कि गुरबाणी के शब्दों का, ठीक है, पहले बात होती एक शब्द की बात होती थी, अभी बात होगी कंप्लीट शब्द की। ठीक है, गुरबाणी के पूरे शब्द को पूरा करने के लिए पूरे शब्द का वजन किया जाता था, काव तोल किया जाता था। ठीक है, काव तोल कहा जाता है लगा या महारणियों की मदद से या मात्राओं की मदद से शब्द का वजन करना, शब्द की काउंटिंग करनी, शब्द की महारणियों की काउंटिंग करनी। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कविता दे तोल नु पूरा करन लई लगा दिया मात्रा दो किस्मां दियां हुंदी हन, लघु मात्रा अते गुरु मात्रा। लघु दा अर्थ है छोटी मात्रा, जिसते बोलन विच कट समा लगदा है। गुरु दा अर्थ है वड्डी मात्रा, जिसते बोलन विच ज्यादा समा लगता है। पहले तो मैं आपको काव तोल के बारे में थोड़ा सा बता दूं, काव तोल क्या होता है। देखिए, कुर्बानी में गुरु महाराज ने एक लॉकिंग सिस्टम रखा है। लॉकिंग सिस्टम कहने का मकसद कि गुरु महाराज ने जिस भी शब्द को कोई राग का नाम दिया है या किसी भी शब्द को कोई छंद का, कोई अष्टपदी का नाम दिया है, तो किसी आधार पर दिया है। कहने का मकसद, जैसे हमें पता है कि अष्टपदियों में 8 पदे होते हैं या 8 पौड़ियां होती हैं, तब उसको नाम दिया जाता है अष्टपदी। ठीक है, हमें पता है छंद उस शब्द को कहा जाता है जिसमें 4 पौड़ियां हों या 4 पद हों, उसको कहा जाता है छंद। ठीक है, इसी तरह जब गुरु महाराज ने जब किसी भी शब्द को राग का नाम दिया, किसी भी राग का नाम देने से पहले या जिस राग से शब्द बिलोंग करता है, उतने ही राग के मीन्स के उस शब्द का वजन किया, तोल किया। ठीक है, किसकी बुनियाद पर? लघुओं की बुनियाद पर या मात्राओं की बुनियाद पर या मुहारनी की बुनियाद पर गुरु महाराज ने शब्द का वजन किया, शब्द का तोल किया। हम आगे सीखेंगे कि किस तरह। यहाँ पर हमने 2 बातें, आवाज क्लियर है सबको या आवाज रुक गई है? जी, आवाज क्लियर है, बीच में कुछ मिस तो नहीं हुआ ना? जी क्लियर है, कुछ भी मिस नहीं हुआ। ठीक है, तो शब्दों की बुनियाद पर या शब्दों को राग देने के लिए, शब्दों का एक प्रॉपर लॉकिंग सिस्टम बनाने के लिए गुरु महाराज जी ने शब्दों का तोल भी किया है, शब्दों का वजन भी किया है। किस बुनियाद पर? उनकी मात्राओं, उनकी मुहारनियों या उनकी लघुओं की बुनियाद पर। अच्छा, जो मात्राओं की काउंटिंग होती है उसमें हमारे पास 2 तरह की काउंटिंग आ जाती है। एक को कहा जाता है लघु मात्रा, यहाँ पर बोल्ड कर देता हूं।
एक को कहा जाता है लघु मात्रा, ठीक है, ये यहां पर कोट कर दिया, और एक को कहा जाता है गुरु मात्रा, ठीक है। लघु मात्रा का मतलब कि छोटी मात्रा, सही है, छोटी मात्रा कहने का मकसद जिसमें छोटा सा साउंड प्रकट हो, ज्यादा बड़ा साउंड प्रकट ना हो। हमारे पास ऐसी मुहावरियां आती हैं जिनमें छोटा सा साउंड प्रकट होता है, ज्यादा बड़ा साउंड प्रकट नहीं होता। और गुरु मात्रा उनको कहा जाता है जिसमें बड़ा साउंड प्रकट हो, बड़ी आवाज प्रकट हो। हम एग्जाम्पल्स भी देखते हैं, मुझे एक मिनट दे दें संगत जी। जी, तो आई होप सबको क्लियर हो गया हो कि लघु किसको कहा जाता है और गुरु किसको कहा जाता है। लघु कहा जाता है जिसमें छोटी आवाज प्रकट हो, उन मुहावरियों को, उन मात्राओं को, और गुरु उन मात्राओं को, उन मुहावरियों को कहा जाता है जिसमें बड़ी आवाज प्रकट हो। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लघु मात्रा और गुरु मात्रा की। लघु मात्रा में हमारे पास आ जाता है मुक्ता, स्यारी, ओंकुर और लावा, ये चार, ठीक है। देखिए मुक्ता का साउंड कैसे प्रकट होगा, बिल्कुल हल्का सा साउंड प्रकट होता है, ठीक है, और स्यारी का एक, ओंकुर का उ, लावा का ए, सिंगल साउंड प्रकट हुए। इसका मतलब कि इनको लघु मात्रा में काउंट किया जाएगा, और इनकी जो काउंटिंग होगी ना, काउंटिंग इनकी एज अ वन होगी, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, इनकी काउंटिंग एज अ वन होगी, कि जिस भी शब्द के साथ लगे होंगे, हम आगे काउंटिंग भी देखेंगे किस तरीके से होगी, इनकी काउंटिंग एज अ वन होगी। और गुरु मात्रा जो होती है हमारे पास, उनमें कौन कौन सी मुहावरियां शुमार होती हैं, कन्ना, ब्यारी, लौंकुड़, ओड़ा, कनोड़ा, टीपी, कना, टीपी, वैसे क्योंकि हमारे पास पहले जो है कन्ना आ गई, कन्ना बिंदी आ गई, एक ही बात है, ठीक है। तो गुरु मात्रा में आप देखिए, ये जितनी भी मुहावरियां हमारे पास लिखी हुई है, ये बड़ा साउंड प्रकट करती हैं या बड़ी आवाज निकालती हैं। कहने का मकसद, कन्ना का साउंड जो होता है वो क्या होता है, आ, ब्यारी ई, दिलोंकुड़ ऊ, ओड़ा ओ, कनोड़ा औ, टीपी अन, कना टीपी आ, या कना बिंदी आ, ठीक है। वैसे बिंदी की काउंटिंग नहीं होती, क्योंकि बिंदी बिल्कुल हल्का सा साउंड प्रकट करती है और वो नास की उच्चारण में भी शुमार होती है, तो बिंदी की काउंटिंग ऐसा मोस्टली नहीं होती। कन्ना हो या कन्ना बिंदी हो, एज अ टू काउंट होंगे, ठीक है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, लघु मात्रा जहां पर भी होगी उसको एज अ वन काउंट किया जाएगा, और गुरु मात्रा जहां पर होगी उसको एज अ टू काउंट किया जाएगा, ठीक है। दो मुहावरियां वहां पर काउंट होंगी, या दो अंक या दो नंबर्स काउंट होंगे, ठीक है, दो तोल काउंट होंगे। एंड में जिनको भी कंफ्यूजन है, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, ठीक है। अब गुरबाणी की एक उदाहरण लेते हैं, एक पंक्ति की, ठीक है। साधु रचना राम पनाई, ठीक है, यहाँ पर साधु एज अ वोकेटिव केस हो जाएगा, साधु रचना राम बनाई, राम के साथ स्यारी है, मतलब राम ने बनाई, ठीक है। अब इसकी जो है शब्द की काउंटिंग देते हैं, या फिर हम काव तोल वजन देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले साधु का, सस्य कना, ठीक है, कना लगी हुई है, कना एज अ टू काउंट होगी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, तो यहाँ पर टू काउंट होगी, और ओड़ा भी हमारे पास टू ही काउंट होता है, तो टू प्लस टू यहाँ पर दो हो जाएगा। मीन्स के साधु का जो वजन होगा, या साधु का जो तोल होगा, या साधु का जो काव तोल वजन होगा, वो कितना होगा, चार होगा टोटल। आगे चलते हैं, रचना ररे मुक्ता है, ठीक है, तो मींस की एक यहाँ पर काउंटिंग होगी। चच्चे मुक्ता, ठीक है, यहाँ पर भी क्या काउंट होगा, वन ही काउंट होगा। अच्छा, नन्हे कना आ रहा है, फिर नन्हे कना आ गया, मींस की कना हमारे पास दो मात्राओं के साथ काउंट की जाती है, तो इस वजह से यहाँ पर भी हम
दो लिखेंगे और दो काउंटिंग होगी यहाँ पर, इनका टोटल वजन हो जाएगा 4। ठीक है, रचना का वजन हो गया 4, साधु का भी 4 ही हो गया। आगे चलते हैं राम का वजन देखते हैं। ररे कना लग गया मीन्स के दो, और मम्मे स्यारी एक काउंटिंग होगी। ठीक है, और लास्ट हमारे पास से बनाई बब्बे मुक्त एक काउंटिंग होगा, नने कना दो काउंट होगा, और ईड़ी प्यारी भी दो काउंट होगा। ये बताता हूँ ये सीखने में हमें क्या बेनिफिट होगा, बहुत ज्यादा ही बेनिफिट है, थोड़ा लेक्चर चलने दीजिए। ठीक है, अच्छा अब हम टोटल वजन काउंट करते हैं कि कितना टोटल वजन हो गया। 2+2 4, 1+1+2 4, ये भी 4 हो गए हमारे पास, और 1+2 या 2+1 3 हो गए, 1+2+2 5 हो गए हमारे पास। ठीक है, मीन्स के साधो रचना राम बनाई इस पंक्ति का पूरा काव तो जो वजन होगा वो क्या होगा, 16 होगा। ठीक है, पूरा कावतुल वजन कितना होगा, 16, 4+4+3+5=16। ठीक है, अब देखते हैं क्यों जो है कावतुल वजन जरूरी हो जाता है, और कावतुल वजन का उच्चारण के साथ क्या संबंध है। जी एक का मतलब लघु नहीं है, मुक्ता स्यारी ओंकुड़ और लावा ये हमारे पास लघु मात्रा में काउंट होती हैं, और जब भी किसी भी शब्द के साथ किसी भी लफ्ज के साथ ये मुहारनीज लगी होंगी हम उनको एज अ वन काउंट करेंगे, और बाकी जो हमारे पास मुहारनियां बच जाती हैं कन्ना प्यारी दिलोंकुड़ दिलावा ओड़ा कनोड़ा इनको एज अ, मैंने शायद पीछे दिलावा नहीं लगाई मुझसे शायद मिस हो गई है, इनको एज अ गुरु मात्रा या फिर 2 मुहारनीज के साथ काउंट किया जाएगा, इनका वजन जो है 2 पर काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से काव तोल का वजन शुद्ध उच्चारण के साथ रिलेटेड है। गुरबाणी काव रूप विच होण करके कई बार काव छंद दा तोल पूरा करन लई मात्रावां कट वध कीतियां जांदियां हन। ये हमारे पास मेन चीज आ गई, मुख बात आ गई। ठीक है, क्या कि गुरबाणी का काव रूप मीन्स के वजन पूरा करने के लिए उसमें क्या किया जाता है, अक्सर औकात शब्दों के साथ सिहारी मीन्स के शब्दों के साथ मुहारनियां कम और ज्यादा की जाती हैं, ताकि पूरे शब्द का वजन बराबर हो, तोल बराबर हो, ताकि जिस शब्द को कोई भी राग दिया जा रहा है, राग का नेम दिया जा रहा है, तो वो उस राग के बराबर उसका वजन बैठे, उसका तोल बैठे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी कवि जब कविता लिखता है, आम कवि की बात करेंगे, तो कविता लिखने के बहुत सारे रूल्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं। जैसे कि एक रूल होता है, जब भी कवि कोई अपनी कविता लिखता है तो आखिरी लाइंस में या आखिरी 2 लाइंस में वो अपना नेम जरूर मेंशन करता है। ठीक है, जैसे भगत फरीद की हम वाणी पढ़ते हैं तो वहां पर भी फरीदा आता है, भगत कबीर की जब हम वाणी पढ़ते हैं वहां पर भी कबीर आता है, तो ये एक रूल फॉलो होता है। ठीक है, इसी तरीके से जब भी कवि कोई कविता लिखता है या जैसे वाणी लिखी गई है, वैसे वाणी का तोल कवि के साथ कविता के साथ नहीं किया जा सकता, पर आपको एक बात समझा रहा था कि कविता लिखने के भी रूल्स होते हैं, वैसे ही वाणी जब लिखी गई वाणी में ग्रामर भी शुमार थी, वाणी में व्याकरण भी शुमार थी, वाणी में काव तोल वजन भी शुमार था, और बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आज तक हमें नहीं पता वो भी शुमार होंगी, जिसके आधार पर गुरु महाराज ने कंप्लीट वाणी को लॉकिंग सिस्टम में रखा है। गुरु महाराज ने हर पंक्ति के साथ नंबर शो कर दिए, क्यों, क्योंकि हर पंक्ति का गुरु महाराज ने लॉक कर दिया कि इसमें कोई वर्ड ऐड ना हो पाए या इसमें कोई और लव्स या कोई और पंक्ति ऐड ना हो पाए। इस वजह से गुरु महाराज ने हर पंक्ति के साथ नंबर दे दिया, पंक्ति जब पूरी हुई पौड़ी का नंबर दे दिया, शब्द जब पूरे होते हैं हमारे पास एक कंप्लीट नंबर लाइन आ जाती है, उसका एक अलग मतलब होता है। तो गुरु महाराज ने पूरी कहूंगा कि पूरे एक सिस्टम के साथ जो है वाणी बनाई है। ठीक है, अब देखते हैं किस तरीके से काव तोल या मात्राएं बढ़ाई जाती हैं या कम की जाती हैं। ठीक है,
जैसे कि हमारे पास गुरबाणी में दो अखरी शब्द आ जाते हैं, ठीक है। एक सेकंड, हमारे पास दो अखरी शब्द आ जाते हैं। अभी यहां पर दो मुहाड़ियां लगी हुई हैं, ठीक है। मैं पहले इनकी सही उच्चारण कर देता हूं। फर्स्ट वर्ड को पढ़ा जाएगा गोपाल, सेकंड को गोविंद, थर्ड को सोहागण और फोर्थ को जवानी। ऐसा क्यों, हम आगे चल के देखते हैं, पर पहले तो हमें यहां पर देखना है जो हमारे पास पहला शब्द आ रहा है गोपाल, ठीक है। दो मुहाड़ियां लगी हुई हैं, इस वजह से गोपाल पढ़ा जा रहा है। असली शब्द हमारे पास कौन से रूप में आता है, ओड़े के रूप में या गोपाल के रूप में, ठीक है। असली शब्द कौन सा है, गोपाल, जिसकी मुहाड़ियों की काउंटिंग कितनी है, 2+2+1=5, ठीक है। ओड़ा 2 हो गया, कना भी 2 हो गई हमारे पास, और लकड़ के साथ या लले के साथ मुक्त लगी हुई है, तो वो हमारे पास 1 काउंट होगा। टोटल इसका वजन हो जाएगा 5। और जो हमारे पास दूसरा शब्द है गोपाल, वहां पर हमारे पास काउंटिंग क्या आ जाएगी, 1+2+1=4। अब देखिए गुरु महाराज ने फॉर एग्जाम्पल, जिससे हमें पता चल गया गोपाल असली वजन, असली जो है शब्द है, गुरु महाराज ने देखा कि कहीं पर शब्द का तोल जो है, शब्द का वजन बराबर नहीं हो रहा, तो गुरु महाराज ने क्या कर दिया, वहां पर दो मुहारियां लगा दी। गग्गे ओड़ा तो पहले से मौजूद था, गुरु महाराज ने अंकुर भी लगा दी, ठीक है। अच्छा, काउंटिंग जब होगी दोनों में से एक मुहारनी काउंट होगी, या ओड़ा काउंट होगा या अंकुर काउंट होगी। अब फिर सवाल ये उठता है कि हम ओड़ा उच्चारण करें या अंकुर उच्चारण करें। अब गुरु महाराज ने, हालांकि ओड़ा पहले से मौजूद था, गुरु महाराज ने ओड़ा हटाया नहीं, गुरु महाराज ने वहां पर एक एक्स्ट्रा जो है मुहारनी एड कर दी अंकुर की, तो वही उच्चारण की जाएगी। असली शब्द हमारे पास गोपाल था, जो न्यू शब्द बन गया हमारे पास अंकुर ऐड करने से, वो क्या हो जाएगा, गोपाल, ठीक है। जबकि अंकुर उच्चारण किया जाएगा गोपाल। आगे हम और भी एग्जांपल्स देखते हैं, पहले गुरबाणी की पंक्तियों में से कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जी नहीं, ओड़ा उच्चारण नहीं होगा, क्योंकि ओड़ा असली शब्द के साथ था, पर गुरु महाराज ने वहां पर अंकुर ऐड कर दी, क्योंकि शब्द तोल बराबर करने के लिए, तो वही अंकुर उच्चारी जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अंकुर की भी काउंटिंग हो रही है, अंकुर एज अ 1 काउंट होता है हमारे पास, अंकुर 1 काउंट हो रहा है, तो पे कना लगी हुई है, कना हमारे पास 2 काउंट हो रही है, एंड देन लकड़ मुक्त या लले मुक्त हमारे पास लगा हुआ है, वो भी हमारे पास 1 काउंट हो रहा है। टोटल इस शब्द का, गोपाल का शब्द का वजन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सेकेंड वर्ड गोविंद में पहले काउंट कर लेते हैं, मैंने लिखा नहीं हुआ यहाँ पर, पहले ओड़ा काउंट करते हैं फिर अंकुर काउंट करेंगे। ओड़ा हमारे पास 2 हो गया और स्यारी हमारे पास 1 हो गई, टीपी हमारे पास 2 होती है, मींस के 2+5=6 हो जाएंगे, ठीक है, टोटल। और अगर अंकुर काउंट किया जाए तब हमारे पास 5 हो जाएंगे, ठीक है। आप बेशक काउंट कर लें, स्यारी और टीपी यहाँ पर दोनों काउंट की जाएंगी, ठीक है। स्यारी की मात्रा 1 काउंट की जाएगी और टीपी की मात्रा 2 काउंट की जाएगी। रियल वर्ड अक्सर औकात जो है रियल में ही गुरबाणी में मेंशन भी होता है, ठीक है, पर अक्सर औकात हमारे पास कहीं कहीं पर ऐसा आ जाता है कि ओड़ा नहीं लगा होता, गोपाल के भी रूप में आ जाता है, पर अक्षरों की पहचान हो जाती है कि रियल वर्ड कौन सा है, ठीक है। गो को 2 में काउंट क्यों करेंगे, तनु जी हमने पीछे पूरी व्याख्या पढ़ ली है कि अगर हमारे पास गुरु मात्रा आ जाती है, गुरु मात्रा में हमारे पास कन्ना प्यारी तिलोंकुड़ तिलावा ओड़ा कनोड़ा और कना बिंदी, ये सारे जो हैं आ जाते हैं हमारे पास, जब ये मुहारियां हमारे पास आ जाएं ये एज अ 2 काउंट की जाती हैं, और जो हमारे पास छोटी मुहारियां आ जाती हैं, छोटी मात्राएं आ जाती हैं, वो एज अ 1 काउंट की जाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं,
गुरबाणी में पंक्ति आती है, हम कीर्तन सोहिले में भी पढ़ते हैं, और जब आरती साहब का पाठ किया जाता है तब भी पढ़ते हैं। सस तव नन नन नैन है तो एक कहो, सस मूरत नन एक तो ही। अब असली शब्द हमारे पास यहाँ पर क्या है, तो ही तो हमारे पास असली शब्द नहीं है, असली शब्द क्या है, तू ही। ठीक है, असली शब्द तू ही है। यहाँ पर मैं पंक्ति के अर्थ भी बता दूं, सहस कहा जाता है बहुत सारे को, ठीक है, सहस तव नैन, नैन कहा जाता है आंखों को, ठीक है, नेत्र को। सहस तव नैन नन नैन है तो एक परमात्मा, यहाँ पर एक निराले तरीके से परमात्मा की तारीफ की जा रही है कि ऐ रब देखा जाए तो आपके बहुत सारे नैन हैं, आपके बहुत सारे रूप हैं, जिन रूपों से, जिन चीज से या लिविंग ऑर्गेनिज्म से आप हमें आंखों से देख रहे हो, मीन्स कि आपके बहुत सारे नैन हैं या आपके बहुत सारे नेत्र हैं, पर अगर सच में देखा जाए तो आपका एक भी नैन नहीं या नेत्र नहीं। ठीक है, नैन कहा जाता है नेत्र को, नन कहा जाता है नहीं को। ठीक है, नन नैन है तो एक कहो, सस मूरत नन एक तो ही, अनेक आपकी मूर्तियां हैं, अनेक आपके रूप हैं, पर देखा जाए तो एक भी नहीं है। ठीक है, तो असल शब्द यहाँ पर हमारे पास तो ही की अगर बात की जाए, असल शब्द हमारे पास तो ही है, उच्चारण यहाँ पर क्या किया जाएगा, तो ही किया जाएगा। बहुत ही सिंपल है, ऐसा समझ लें जब भी हमारे पास दो मुहारणी वाले शब्द आ जाए, जो हमारे पास असली शब्द होगा उस असली शब्द का हम उल्टा उच्चारण करेंगे। ठीक है, असली शब्द का उल्ट उच्चारण होगा। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, हर चरण कमल मकरंद लोपित मनो अंध नो मोहे आही प्यासा। अब देखिए यहां पर अंधनो, ठीक है, असली शब्द हमारे पास क्या आ जाता है, अंधिन, अंधिन कहा जाता है दिन और रात को। ठीक है, अंधिन कहा जाता है। यहाँ पर काव तोल या गुरबाणी की पंक्ति का या पूरे शब्द का वजन पूरा करने के लिए गुरु महाराज ने क्या कर दिया, कोड़ा लगा दिया। ठीक है, हर चरण कमल मकरंद लोपित मनो अंधनो मोहे आही प्यासा। एक सेकंड सुंदर जी, जी यहाँ पर गुरबाणी फरमान करिए, हर चरण कमल मकरंद लोपित मनो अंधनो मोहे आही प्यासा। हरि परमात्मा के जो चरण कमल हैं, मकरंद कहा जाता है मेरे ख्याल से खुशबूदार, या फिर जिसमें चाह लग जाए हमारा, यही मेरे ख्याल से अर्थ होंगे यहाँ पर, या फिर मकरंद, चरण कमल मकरंद लोभित मनो, मीन्स कि लोभित, मेरा मन लोभी होता है किन के लिए, परमात्मा की चरणों कमलों के लिए। ठीक है, मेरा मन लोभी होता है, मनो अंधनो, और दिन रात उसकी जो है मुझे प्यास जागती रहती है। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अंधनो मोहे आही प्यासा। ठीक है, मुझे हर वक्त अंधिन, दिन या रात, या हर वक्त हम दोनों अर्थ निकाल सकते हैं यहाँ पर, मुझे उस परमात्मा के चरण कमल की या चरण कमल की दूर की प्यास लगी रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक सेकंड,
सिस्टम रुक गया संजय जी, एक मिनट रुक जाएं काइंडली। हचरण कमल मकरंद लोक मनो अनु, हल्की सी आय से आ रही उच्चारण किया जाएगा मोह, ठीक है मोह आही प्यासा। मोह यहाँ पर जो है प्रोनाउन है वो नहीं है, नाउन नहीं है, ठीक है। इस वजह से हल्की से सारी उच्चारण की जाएगी मोह, मेरी बात हो रही है, ठीक है। जहां पर मेरी बात हो मैनू, ठीक है मेरी बात हो रही हो तो वहां पर हम उच्चारण कर सकते हैं, ठीक है। जिस वर्ड में दो मात्रा है वहां हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी एडेड है, हम यहाँ पर देख लेते हैं हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दो मोहानी शब्द यहाँ पर आ गए तो मैं पहले उच्चारण नहीं करता, हम पहले असली शब्द देखते हैं, ठीक है। असली शब्द हमारे पास कौन कौन से हैं? अगर दो मोहानी हमारे पास ओड़ा और अंकुर दोनों आ जाता है तो असली शब्द हमारे पास गोपाल आ जाता है। इसी तरह असली शब्द गोविंद है, फिर अंदिन है, फिर जवानी असली शब्द है, सुहेला असली शब्द है, जहान असली शब्द है और तू ही असली शब्द है, ठीक है। अब बात की जाए अगर इनके उच्चारण की, क्योंकि ये तो असली शब्द हो गए, अब इनका उच्चारण क्या किया जाएगा, इनसे उलट। असली शब्द हमारे पास गोपाल था, उच्चारण क्या किया जाएगा, गोपाल। असली शब्द हमारे पास गोविंद था, उच्चारण किया जाएगा गोविंद, क्योंकि एक्स्ट्रा मोहानी एड हो गई है, एक्स्ट्रा मात्रा एड हो गई है तो वही हमने उच्चारणी है। असली शब्द हमारे पास अंदिन था ओंकुर के साथ, पर उच्चारण किया जाएगा अंदिनो अगर ओड़ा एडेड है। असली शब्द हमारे पास जवानी था, उच्चारण किया जाएगा जवानी, ठीक है ओड़ा उच्चारण किया जाएगा। असली शब्द हमारे पास था सुहेले, सुहेले कहा जाता है गीतों को परमात्मा के, ठीक है और उच्चारण किया जाएगा सोहेला। असली शब्द हमारे पास जहान था, उच्चारण किया जाएगा जहानो, जहान कहा जाता है दुनिया को। असली शब्द हमारे पास तू ही था, उच्चारण किया जाएगा तो ही। असली शब्द कैसे पता चलेगा, कुछ शब्द तो हमें पता चल जाते हैं देखते ही, ठीक है। मैं आपको एक शब्द बताता हूँ, इस शब्द पर दोनों ही मुहारनियां लगी हुई हैं, ठीक है यहाँ पर मेंशन नहीं है। तत्ते ओड़ा भी लगा हुआ है, तत्ते अंकुर भी लगा हुआ है, शब्द है, शब्द है तोलाइसी, ठीक है। अब बताइए असली शब्द क्या है, ओड़ा भी लगा हुआ है, अंकुर भी लगा हुआ है, ठीक है। आप बताइए तोलाइसी का असली शब्द क्या होगा, तोलाइसी तोल का ही एक फॉर्मेशन है, ठीक है घोड़े वाला, बिल्कुल तोलाइसी, तो उच्चारण क्या किया जाएगा तोलाइसी, ठीक है। शब्द को देख के अक्सर औकात हमें पता चल जाता है कि कौन सा असली शब्द होगा और कौन सा नहीं। और एक बुक भी आती है जिसमें गुरबाणी में जितने भी ऐसे शब्द आ जाते हैं हमारे पास जिनमें दो मुहारनियां हमें शो होती हैं, तो वहां पर उच्चारण भी लिखा हुआ है, असली शब्द भी लिखा हुआ है, ठीक है। वो बुक भी मैं आपको जो पहले लिंक प्रोवाइड की गई थी मैं वहां पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। एक और बुक है शुद्ध उच्चारण की, अलग से बुक है, ठीक है वो मैं अपलोड कर दूंगा, या मैं अच्छा लिंक डिलीट हो गई, मैं व्हाट्सएप पर ही पूछ दूंगा। अब गुरबाणी में अक्सर औकात सिर्फ हमारे पास जो है ओड़ा या अंकुर नहीं आती, अक्सर औकात और भी मुहारनियां होती हैं जिनको काटा जाता है या फिर बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो उनमें से कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, बाकी जितनी हम खोज करेंगे उतना हमें पता चल जाएगा। जैसे कि गुरबाणी यहाँ पर फरमान कर रही है, हम विचो दूर कर सच मन वसाए। अब जपजी साहब में जब हमारे पास मन की ये फॉर्मेशन आ जाती है, जिको मन जाना है मन को है, वहां पर तो मन का मन जब हमारे पास मम्मे के ऊपर टीपी और नन्हे स्यारी आ जाती है तो वहां पर उसका मतलब होता है परवान, ठीक है मन लेना जान लेना, ठीक है इस तरीके से वहां पर मीनिंग्स निकलते हैं। पर यहाँ पर वो परवान वाला मीनिंग नहीं आ रहा,
ठीक है, तो यहाँ पर आप बताइए यहाँ पर क्या मीनिंग निकलेगा। हौमे विचो दूर कर सच मन वसाए, स्यारी भी लगी हुई है, स्यारी यहाँ पर हमें किस तरीके से अर्थ देगी वो भी आप बताएं। बिल्कुल आप सारे सही बता रहे हैं, मन विच यहाँ पर अर्थ हो जाएंगे। यहाँ पर टीपी क्यों लगाई गई है, शब्द का काव तोल वजन पूरा पूरा करने के लिए यहाँ पर टीपी लगाई गई है। अच्छा, यहाँ पर टीपी वैसे मन ही उच्चारण होगा, क्योंकि टीपी हम उच्चारण करें या नना उच्चारण करें दोनों का सेम ही साउंड निकलता है, ठीक है मन। तो यहाँ पर टीपी लगने की हमें वजूहात पता चल गई, क्यों टीपी लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर काव तोल वजन पूरा किया जा रहा है, इस वजह से यहाँ पर टीपी लग गई। काउंटिंग अगर आप इसका वजन करें तो कितना होगा, टीपी काउंट की जाएगी 2 और स्यारी काउंट की जाएगी 1, यहाँ पर मन का वजन हो जाएगा हमारे पास 3। ठीक है संजय जी, एक और यहाँ पर अर्थ भी आ गए, एक और पंक्ति देख लेते हैं। मन तन निर्मल देख दर्शन नाम प्रभ का मुख बना। अब यहां पर देखिए तन तन तो हमारे पास जो असली तन का रूप आता है वो किस तरीके से आता है, तत्ते नन्ना अंकुर या नन्ना मुक्ता भी लगा होता है, ठीक है असली जो हमारे पास रूप आता है। पर यहाँ पर गुरु महाराज ने टीपी भी लगाई है, उसके पीछे वजह क्या, रीजन क्या कि गुरु महाराज ने यहाँ पर काव तोल वजन पूरा करने के लिए यहाँ पर टीपी लगाई है, ठीक है। मन तन निर्मल देख दर्शन नाम प्रभ का मुख बना, मीन्स के यहाँ पर गुरु महाराज फरमान करें मन तन निर्मल देख, मेरा मन तन निर्मल हो गया देख के, ठीक है किसका, दर्शन नाम प्रभ का, जब मैंने प्रभु के दर्शन किए या उसके नाम के दर्शन किए मुख बना, मुख बन गया, ठीक है बहुत ही आसान से। यहाँ पर वजन की व्याख्या क्या है, एक वर्ड में कितना वजन होता है, ऐसा कोई सिस्टम है। अमर कुमार जी आपका सवाल नहीं समझ आया, क्योंकि पूरे आज के लेक्चर में बात ही यही हो रही थी कि तोल क्या होता है, वजन क्या होता है, शायद आपको पीछे से लेक्चर क्लियर नहीं है, इस वजह से हो सकता है ये सवाल हुआ आपका। दर्शन पढ़ा जाएगा, दर्शन नहीं। जी संगत जी, आज का हमारा लेक्चर यहीं पर खत्म होता है, अभी आपके कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। इसका रागों से ये कनेक्शन है, जब भी कोई शब्द को कोई राग दिया जाता था तो उस शब्द की एक खास टोल किया जाता था, उस शब्द का खास वजन किया जाता था उसको राग का नाम देने से पहले, या जिस भी शब्द को जो भी राग में होता था देखा जाता था कि क्या इस पंक्तियों का, इन शब्दों का, इन लफ्जों का वजन पूरा है या नहीं, इस वजह से इनका जो है रिलेशन रागों के साथ हो जाता है, काव तोल का वजन या काव तोल का जो रूप है वो रागों के साथ हो जाता है। प्रभ में अंकुर नहीं आएगा, नहीं आएगा क्योंकि प्रभ के साथ संबोधक लगा संबंधक लगा हुआ है। हमें कैसे पता चलेगा कि इसका कितना वजन होना चाहिए, आपको काउंटिंग सिखा दी। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि किस राग का कितना वजन है, तो हमारे पास कई सारी जो है गुरबाणी में राग की बुक्स भी आ जाती हैं जिनमें मेरे ख्याल से रागों का वजन लिखा हुआ है, तो हमें मेन वजूहात पता चल गई, मेन रीजन पता चल गया, मुख्य कारण पता चल गया कि शब्दों का भी तोल होता था, शब्दों का भी वजन होता था, जिसकी वजह से शब्दों पर दो मुहारणियां या टीपी की वर्तो की जाती थी। मनीष कुमार जी, वजन की कोई लिमिट होती होगी, इस वजह से तो लॉकिंग सिस्टम बनाया गया। एंड अगर भैया दर्शन का क्रिया दर्श पढ़ेंगे ना या दर्श, दर्श वैसे जब हमारे पास लफ्ज आता है तो वो दर्श ही पढ़ा जाता है, दर्श नहीं पढ़ा जाता,
चचे सियारी लगे लगाया या चची मुक्ता रचना में और उच्चारण रचना। ज्योति बाई जी आपका सवाल नहीं समझ आया, किसकी बात कर रही हैं आप? रचना में हमारे पास चचे मुक्ता था भैया। वैसे अगर कोई किसी शब्द के साथ टीपी लग जाए तो उसकी मीनिंग में कोई चेंज नहीं होता। जैसे बात की थी जपजी साहब की, ठीक है, वहां पर जो है जी को मन जाने मन को, वहां पर मन का मतलब है परवान करना। ज्यादातर जब भी मन के साथ टीपी लगती है और नन्हे स्यारी लगती है यही अर्थ में मिलते हैं मन विच, अर्थ वहां पर चेंज नहीं होते, परवान अर्थ नहीं होते, ठीक है, मनना अर्थ नहीं होते। इन सम केसेस वो वाले अर्थ हो जाते हैं मनना, ठीक है। मोस्ट ऑफ दी केसेस हमारे पास, इन दी मोस्ट जो हमारे पास आ जाता है वो सेम मन विच ही अर्थ जो है अर्थ निकलते हैं, अर्थ चेंज नहीं होते, ठीक है। वहां पर नन्हे स्यारी वाला कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, मीन्स के नाउन के साथ अगर स्यारी लग जाए संबंधक अर्थ देते हैं। अच्छा भैया, वाणी के एंड में इतने ज्यादा नंबर्स लिखे होते हैं वो क्या अर्थ देते हैं? उसके पीछे एक पूरी व्याख्या होती है। पहले तो जो शब्द आ जाता है, ठीक है, उस शब्द के जितने छंद आ गए या जितने पद आ गए वो नंबर लिखा जाता है। फिर उसकी एक पूरी व्याख्या, मैं आपको एक वीडियो फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप में जिसमें उसकी पूरी व्याख्या बताई गई है। पिछली वाली स्लाइड में आ जाता हूँ। जैसे रहराज साहब ने राग गुजरी महाराज हमें धन धन है, एक में टीपी है एक में नहीं है, तो उसकी मीनिंग जैसे सेम है। जी हाँ, धन के साथ अगर अंकुर लगी हुई है और धन के साथ अगर टीपी भी आ रही है तो उसकी मीनिंग सेम ही होंगे, पर धन के साथ अगर स्त्रीलिंग की वजह से अंकुर हटी हुई है तो वो उसके मीनिंग होंगे वहां पर किसी स्त्री की बात हो रही होगी। जी ज्योति भाई जी, मेरे ख्याल से आप इस स्लाइड की बात कर रही हैं। ये सवाल क्लियर हो गया जी, या ज्योति भाई जी आप हैंड रेस कर दें, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। इससे भी पहले वाली, ये इससे भी पहले वाली आ गई। स्त्री की काउंटिंग कितनी होगी? देखिए नीचे पैर में ररा लगा हुआ है तो ररे की काउंटिंग नहीं होगी। ररा, इसकी व्याख्या भी हम आगे पढ़ेंगे। ररा इसी वजह से लगाया गया है क्योंकि शब्द का तोल कम करने के लिए। अगर हम सरी की काउंटिंग करें, सस्से ररा और ब्यारी, उसकी काउंटिंग हो जाएगी 3, ठीक है। और स्त्री की जो आपने लिखा हुआ है, यहाँ पर नाम नहीं लिखा आपने अपना, स्त्री की काउंटिंग होगी 2, ठीक है। इससे भी पहले तो होगी श्री जी काउंटिंग। जी हाँ, जिस स्लाइड में रचना वर्ड था, जिस स्लाइड में रचना वर्ड था, ठीक है, हम उस स्लाइड में आ जाते हैं। जी ये हमारे पास रचना आ गया। भैया इस पंक्ति में तन पर टीपी लगी वजन के लिए, फिर मन में क्यों नहीं लगी? तन पर अगर वजन बराबर हो गया इस वजह से मन में नहीं लगी। जी हाँ, राग के बारे में भी ऐसा ऐसा कवर करते जाएंगे। रचना पढ़ेंगे, अगर रचना लिखा हुआ है तो रचना ही पढ़ा जाएगा। और जहां पर बात हो रही थी ना कि देखिए गुरबाणी में जब हमारे पास पंक्ति आ जाती है जपजी साहब की, सोचा सोच न हो वही जे सोची लखवार, अब वहां पर अगर हम ना उच्चारण कर दें तो हमने काव तुल वजन बढ़ा दिया। गुरु महाराज ने नने मुक्ता लगाया हुआ था, हमने नने कना लगा दिया, हमने वजन बढ़ा दिया। अगर नने कना ही लगाना होता तो हम उस शब्द की भी एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास गुरबाणी में आ जाता है आसा महला पहला, रहराज साहब में आता है शब्द, हमारे पास पूरा शब्द उच्चारण करते हैं। आखा जीवा विसरै मर जाऊं, आखण औखा साचा नाओ, साचे नाम की लागै भूख, उत भूख खाए चलिए तूख, सो क्यों विसरै मेरी माए,
साचा साहिब साचे नाए रहो। साचे नाम की तिल वड़ियाई आख थके कीमत नहीं पाई, जे सब मिलकाए आखण पाए वडान होवे काट न जाए ना ओह मरे न होवे सुख। ठीक है, पहले में नने कना है मेरे ख्याल से जितना मुझे याद आ रहा है, ना ओह मरे न होवे सुख, फिर नने मुख्तार है। ठीक है, अगर आप हर जगह पर नने कना उच्चारण करेंगे तो डिफरेंस नहीं रहेंगे। गुरु महाराज ने हर जगह पर शब्दों को जैसे लिखा गया है वैसे ही लिखा है गुरु महाराज ने। और अगर हम शब्दों में कोई चीज ऐड करते हैं, कोई मुहानी ऐड करते हैं, अगर हम विचार को विचार पढ़ लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमने काव तोल वजन चेंज कर दिया। तो इन चीजों की खास ध्यान रखना चाहिए। अक्सर होकर सोचा है को हम सोचे पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो गया, हमने काव तोल वजन चेंज कर दिया। दिलावा लगी हुई थी, हमने लावा उच्चारण कर ली, ठीक है, सोचा है पढ़ना चाहिए था पर हमने क्या पढ़ा, सोचे, लावा उच्चारण कर दी। जी नहीं चच्चे पर स्यारी नहीं, रचना उच्चारण किया जाएगा, ठीक है, रचना, रचना उच्चारण नहीं किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, वजन में कंफ्यूजन है, वजन बढ़ गया या कम हो गया, हमें कैसे पता चलेगा? हमें इसी तरीके से पता चलेगा, अगर दो मुहानियां लगी हुई हैं, गुरु महाराज ने समझ लें यहाँ पर वजन बढ़ाने के लिए किया है, और कोई शब्द जैसे हमारे पास, मैं दोबारा टेबल वाली स्लाइड खोल देता हूँ, एक सेकंड, ये हमारे पास आ गई। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, गोपाल की, ठीक है, गोपाल का वजन हमारे पास जो टोटल वजन था वो कितना था, 5, ठीक है, पर इसमें जब ओंकुर लगाया गया तो एक मात्रा कम हो गई, 4 हो गया हमारे पास वजन, ठीक है, तो यहाँ पर वजन कम किया गया है। ओड़ा हमारे पास बड़ी मात्रा है और ओंकुर हमारे पास छोटी मात्रा आ जाती है। जी हाँ, जाऊं में मैंने बिंदी उच्चारण की, और बिंदी क्यों उच्चारण की इसकी व्याख्या भी हम शुद्ध उच्चारण में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर आपको शुद्ध उच्चारण में हर चीज के पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, हर चीज के पीछे व्याख्या पढ़ाई जाएगी, ठीक है, और व्याख्या आपको ये कंफर्म कर देगी कि कहाँ पर सही तरीके से क्यों सही उच्चारण करनी चाहिए, क्यों इस तरीके से बिंदी उच्चारण करनी चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पर व्याख्या पढ़ ली कि ओंकुर एडेड हो गया तो इस वजह से ओंकुर उच्चारण करना चाहिए, और ओड़ा एड हो गया तो ओड़ा उच्चारण करना चाहिए, ठीक है। अच्छा भैया, आपने जो एग्जांपल दी थी दो निशानियों वाली, सब ओंकुर और ओड़ा थे, ऐसे और भी निशानियां आ सकती हैं? इसी टेबल की अगर आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दे दी, ऐसे यहाँ बहुत सारी एग्जांपल्स आती हैं कुर्बानी में जहाँ पर दो मुहानियां लगी होती हैं, ठीक है, ओड़ा और ओंकुर साथ होता है, और नाउन नाउन है तो इसमें ओंकुर की उच्चारणता होगी। नाउन, वो नाउन तो एज अ डेफिनेशन में लिखा हुआ है ना, वो अक्सर औकात में कहीं नाव लिख देता हूँ, कहीं नाउन लिख देता हूँ, कहीं नने ना ओड़ा लिख देता हूँ, वो तो ऐसा डेफिनेशन में इस्तेमाल हो रहा है, वहां पर हम ऐसे गुरबाणी व्याकरण के रूल्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। मैं वही तो बोल रही हूँ, जैसे नानका के नन्हे बेस्यारी नहीं तो हम नानक ई पढ़ते हैं, इस तरह रचना के चचे पे भी स्यारी नहीं फिर उसे हम रचना क्यों पढ़ते हैं, रचना क्यों नहीं, रचना नहीं पढ़ा जा रहा, रचना ही पढ़ा जा रहा है, चच्चे मुक्ता उच्चारण किया जा रहा है, ना कि चच्चे स्यारी, रचना, चिन्ना जब हम बोलेंगे तब वो हो जाएगा, स्यारी इंक्लूड हो जाएगी, पर यहाँ पर उच्चारणता हो रही है रचना, ठीक है, रचना उच्चारण किया जाएगा, जो आप बोल रही हैं या स्यारी वाली जो है मुहारनी उच्चारण नहीं की जाएगी, ठीक है ज्योति भाई जी। हाँ, अब ये काउंटिंग कहाँ यूज होगी, बड़ा गहरा सवाल पूछ लिया।
आप सियारी लगा रहे हो बोलने में? नहीं, मैं सियारी नहीं लगा रहा, रचना। ठीक है, मुक्ता ही उच्चारण हो रहा है। अगर सियारी लगाए तो उच्चारण होगी रचना चिना, ठीक है, और मुक्ता जब लगाया जा रहा है रचना चना। ठीक है, वर्ड पर गौर करिए। अभी क्लियर है ज्योति भाई जी? अगर क्लियर नहीं है तो बेशक आप सवाल कर सकती हैं। सियारी नहीं लग रही, अब गौर से सुनिए। ठीक है, पहले मैं सियारी वाला उच्चारण करूंगा, फिर मैं मुक्ता वाला उच्चारण करूंगा। सियारी वाला उच्चारण रचना चिना, ठीक है, अब मुक्ता वाला उच्चारण रचना, ठीक है, चना चन्ना। और स्यारी जब लगेगी तब उच्चारण हो जाएगी चिन्ना। ठीक है, गौर करिए, उच्चारणता सही उच्चारणता जो होगी वो होगी रचना। कौन से गहरे सवाल का जवाब दे दूं? काउंटिंग सिर्फ आपको इसलिए पढ़ाई गई ताकि आपको एक व्याख्या बताई जाए कि जब भी हमारे पास दो मुहावरे वाले शब्द आ जाते हैं या कोई ऐसे शब्द आ जाते हैं जिन पर, अब देखिए सेवा असल शब्द आता है सेवा, पर अक्सर औकात गुरु महाराज कन्ना हटा के वे मुक्त लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि सेवा हमारे पास होती है तो उसके साथ ओंकार कभी नहीं लगती, तो कन्ना क्यों हटी? क्योंकि शब्द का तोल वजन पूरा करने के लिए। तो आपको इसके पीछे दो मुहानियां क्यों लगती हैं, टीपी क्यों लगती हैं, इसके पीछे आपको पूरी व्याख्या बताई गई थी, इस वजह से आपको काउंटिंग वाला सारा सिस्टम सिखाया गया। नहीं देखिए, जैसे हमारे पास ओंकार सियारी की व्याख्या समझने के लिए थी, ऐसे ही काउंटिंग बात की जाए, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये प्रोफेसर साहिब सिंह ने हमें बताया। ठीक है, प्रोफेसर साहिब सिंह की किताब में ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, जो आपको बुक प्रोवाइड की गई है वहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, व्याख्या गुरु महाराज की वाणी की गुरु महाराज के सेवकों ने ही की है, सिखों ने ही की है। ठीक है, वो तो आप जब वर्ड तोड़ के बोलते हो तो आप मेंशन कर रहे हो, अगर आप पूरा वर्ड डायरेक्ट बोलो तो सारी लग रही है, पर आप भी लगा रहे हो साधो रचना राम बनाई। अब लगी? अच्छा, मैं पूरी पंक्ति स्पीड में उच्चारण करता हूँ और एक में सियारी लगाता हूँ, एक में मुक्ता लगाता हूँ। ठीक है, पहले मैं सियारी वाली उच्चारण करता हूँ, साधो रचना राम बनाई। ठीक है, अब मुक्ता वाला, साधो रचना राम बनाई। अब क्लियर है? काउंटिंग के अलावा और कोई हिंट नहीं है बरखा कुमारी जी, यही हिंट है कि जो असली जो भी शब्द पर दो मुहानियां लगी हो, जो असली शब्द होगा उसका उल्ट उच्चारण किया जाएगा। ठीक है, दोनों में ही सियारी लगी पर एक सेंटेंस आपने जी जल्दी से खोला और एक ऊपर से ही पढ़ लिया, हो सकता है मुझसे गलती हो रही हो। मैं कोशिश करूंगा अपनी जो है थोड़ा सा रचना पर ध्यान दूंगा और इसको प्रॉपर तरीके से ओके कर दूंगा। हो सकता है मुझसे गलती हो रही हो, पर असल में मुक्ता ही उच्चारण किया जाएगा। ठीक है, चले मैं ध्यान दूंगा ज्योति भाई जी, मैं ध्यान दूंगा, रचना कोशिश करूंगा मेरी रचना की उच्चारण बिल्कुल सही हो जाए, हो सकता है मेरी गलत हो गई हो। और बाकी जो आपकी कंफ्यूजन है वो आपको जो है ग्रुप में क्लियर कर दूंगा। आपके आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई और सवाल संगत जी?
जी तकरीबन संगत को लेक्चर शायद क्लियर है, हैंड रेस कर दें संगत जी, पता चल जाएगा लेक्चर क्लियर हो गया। मुक्ता और स्यारी की प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस, आप कोई वर्ड की एग्जांपल दे दें राज वंजारनी जी। वैसे हम आगे सारी व्याख्या पढ़ेंगे, शुद्ध उच्चारण में बहुत सी चीजें आ जाएंगी, तो उम्मीद है क्लियर हो जाए आगे। ठीक है, नहीं टेस्ट हमारा, टेस्ट में हमारा शुद्ध उच्चारण इंक्लूड नहीं होगा, टेस्ट में सिर्फ जहां तक हमने सारी तक पढ़ा था वही इंक्लूड होगा। ठीक है, जी सिर्फ 7 संगतों ने हैंड रेज किया है, मेरे ख्याल से बाकियों को क्लियर नहीं है। जी हाँ कल वाले लेक्चर तक टेस्ट होगा। जी संगत जी इतनी सेवा परवान, बोल चुकी वार वार माफी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।